शाहरुख और सलमान आएंगे एक बार फिर से साथ नजर, और कौन सी फिल्मों से कमबैक करने जा रहे हैं किंग खान यानी कि शाहरुख खान, और किसके लिए पहली बार शॉर्टलिस्ट हुए थे सलमान खान अपनी बॉडी दिखाते हुए। अरे भाई जानेंगे जानेंगे, जितना एक्साइटेड आप लोग हैं जानने के लिए उतनी ही एक्साइटेड मैं भी हूँ आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन उससे पहले आउट ऑफ रिस्पेक्ट, हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दैट्स राइट, तो साल 1995 में आई थी करण अर्जुन, जी हाँ, जिसमें हमें देखने को मिले थे करण अर्जुन यानी कि अपने शाहरुख खान और सलमान मियां। इन दोनों के साथ फिल्म में नजर आए थे काजोल, ममता कुलकर्णी, रेखा और साथ ही साथ अमरीश पुरी भी। ये फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी और इस बात का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी लोग करण अर्जुन को काफी याद करते हैं। खैर, ये फिल्म उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। ये फिल्म इतनी हिट थी तो इसका सीक्वल बनना भी तय है, क्योंकि बॉलीवुड आजकल चला ही रहा है सीक्वल्स का ट्रेंड। खैर, आपको बता दें कि करण अर्जुन 2 में भी शाहरुख और सलमान ही ब्रोमांस करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यही है कि इनके साथ इनके ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाता है। खैर, अब अगर मैं बात करूं किंग खान शाहरुख खान की, तो जीरो की नाकामयाबी के बाद अब किंग खान किसी बड़े कमबैक की फिराक में है। देखिए, उन्होंने अपने लिए इतना ऊंचा बार सेट कर रखा है कि एक भी फ्लॉप फिल्म उनके फैंस को निराश कर जाती है। अब किंग खान अपने फैंस को और नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए अब उन्होंने अपनी फिल्मों को काफी देखभाल के चूज किया है। जी हाँ, किंग खान की 3 बड़ी फिल्में बैक टू बैक आने वाली हैं, जिनमें शामिल है पठान, जवान और डंकी। ये किंग खान के 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे फैंस हो जाए खुश और उनकी जो उम्मीदें हैं इन फिल्मों से वो भी हो जाए पूरी। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बादशाह फिर से अपने फैंस के दिलों पे हुकूमत कर पाते हैं या नहीं। खैर, अब बात करते हैं सलमान मियां की। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में कि किसके लिए आखिर सलमान खान पहली बार हुए थे शर्टलेस। जी हाँ, जानती हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं था, बल्कि आप शुक्रिया अदा करिए करण अर्जुन फिल्म का, क्योंकि यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार सलमान खान हुए थे शॉर्टलिस्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करण अर्जुन ही वो फिल्म थी जिसके लिए सलमान खान ने पहली बार बनाई थी खासा बॉडी। दरअसल करण अर्जुन से पहले सलमान खान ने ऐसी कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसीलिए उनकी बॉडी भी कोई खास वास नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के लिए सलमान खान ने बेहद मेहनत की थी अपने फिजिक पे, जिसे देखकर फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन भी काफी इंप्रेस हो गए थे। खैर, शाहरुख और सलमान तो करते ही आ रहे हैं उस दौर से इस दौर तक हम लोगों को इंप्रेस। लेकिन आप हमें बताइए कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं करण अर्जुन 2 को लेकर। खैर, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।